फ्रेंड्स आए गए दिवाली के दिन जिसका हम लोग साल भर वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस दिवाली के पर्व पे हम लोग वो सब चीज़ें करते हैं जो कि हमारे जीवन में खुशियाँ भर देती है, जैसे कि रंगोली। तो मैंने आज बहुत सिंपल सी रंगोली डाली थी। देखिए फ्रेंड्स, ये है फुलझड़ी, ये तो आप सब जानते होंगे, बचपन से आप लोग भी जलाते आ रहे होंगे। लेकिन एक बात इसके पीछे की ये कहानी है कि मुझे फटाकों से बहुत डर लगता था। जब भी बचपन में फटाकों की आवाज़ आती तो मैं ऐसे कान बंद करके कहीं जाके छुप जाती थी और ये सोचती थी कि ये राक्षस रूपी फटाके कब फटना बंद होंगे। मेरी तो नींद ही हराम हो जाती थी, मतलब मैं चौंक जाती थी हर धमाके के साथ, हमेशा मैं चौंक जाती थी, सहम जाती थी, डर जाती थी। तो मुझे मतलब दिवाली के आने की खुशी कम और फटाकों का खौफ और डर ज़्यादा रहता था। पता नहीं उस जो जो सुतली बम होता है ना, उसकी आवाज़ तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल कान को फाड़ के ही दम लेगी। तो मुझे बचपन में फटाकों का बहुत ही ज़्यादा खौफ था। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो रंगोली बनाई थी, तो मैंने सोचा कि हम लोग इतने थके आ रहे हैं, तो मैंने आज जल्दी से ये सिंपल सी रंगोली बना ली थी। तो आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मैंने शो पीस या झूमर कहिए या फिर और कुछ आप अपने लैंग्वेज में कहिए, ख़रीदा था, तो ये मुझे बहुत सुंदर लगा था। और आज मैंने इसको दरवाजे के दोनों तरफ लटकाया और ये इतना सुंदर लग रहा था। इसमें देखिए ऊपर एक हाथी भी लटका हुआ, ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इसमें बेल भी बजती थी, बेल मतलब टन 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 जो बजती है ना रिंग, वो भी बज रही थी। तो मुझे वो बहुत ही अच्छी लग रही थी घंटी। और देखिए मैंने ये दरवाजे के साइड में ये जो लॉर्ड बुद्धा का जो हम लोग गाड़ी में टांगते थे, तो वो मैंने दरवाजे के साइड में लगा दिया। तो फ्रेंड्स ये वाला मुझे शो पीस बहुत ही अच्छा लगा। और आज शाम हो चुकी थी और हो चुका था पूजा पाठ का टाइम, तो हमने पूजा पाठ की, उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए बस बैठने ही वाले थे। फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।